निरूपण है वो भी वेदांत के एक अंश का ही निरूपण है। जीव और विश्व दोनों के बीच में ये जगत है, यही माया है। ईश्वर की ओर से इसको माया बोलते हैं और जीव की ओर से इसको मन बोलता है। तो जब परिपूर्ण तत्व का अनुसंधान करना होता है तो ईश्वर का अनुसंधान भी आवश्यक है और जीव का अनुसंधान भी आवश्यक है। जो तत्पदार्थ से परहेज करेगा, केवल स्वम पदार्थ का अनुसंधान करेगा, उसको ये बाहर वाले स्थूल जगत की पूरी संगति कभी नहीं लग सकती, असंगत हो जाएगी। और जो केवल ईश्वर का ही अनुसंधान करेगा उसको जगत की संगति तो लग जाएगी ईश्वर में, परंतु अपने आप को वो ईश्वर से कभी मिला नहीं सकता। ये बात आप ध्यान में रख लो। सूत्र है वेदांत, तो किसी ने ईश्वर को छोड़ दिया और बोले आओ हम आत्मा अनुसंधान करते हैं, तो ये बात भी ध्यान में होनी चाहिए। ये जो प्रकृति से सृष्टि कही जाती है ये प्रकृति दृष्टा आत्मा और बुद्धि दोनों के बीच में एक अदृश्य कल्पित पदार्थ है। प्रकृति अदृश्य होती है, अव्यक्त कहो अदृश्य कहो अकार्य कहो, तो किसी का कार्य नहीं है। तो बुद्धि और दृष्टा दोनों के बीच में जो प्रकृति है
वो दृश्य नहीं होते, कभी दृश्य नहीं होते। इसलिए बुद्धि को आप प्रकृति में लीन करके, यदि स्वभाव से लीन हो जाएगी बुद्धि प्रकृति में तो प्रलयावस्था हो जाएगी या सुषुप्ति अवस्था हो जाएगी, और यदि अभ्यास के द्वारा बुद्धि को प्रकृति में लीन करोगे तो समाधि हो जाएगी। वो तो निरोध दशा प्रकृति की ही एक दशा है, दृष्टा तो उससे पृथक रहकर देखता ही रहता है, निरोध का भी दृष्टा है। तो निरोध प्रलय या सुषुप्ति से लेकर के जितना ये प्रपंच दिखाई पड़ता है, इसका समाधि दशा में, सुषुप्ति दशा में, प्रलय दशा में अभान तो हो जाएगा, परंतु इसका बीज नहीं मिलेगा। द्वैत, बिल्कुल द्वैत बना रहेगा। अब अपनी मत और मत लाओ, उधर से ढकेलो। तो वैसे वो पार्थिव सृष्टि, अप सृष्टि में अप सृष्टि, तेजस सृष्टि में तेजस सृष्टि, वायु में वायु सृष्टि में वायु, आकाश सृष्टि में, ये तैतरीय का क्रम है, छांदोग्य का नहीं। और एक दूसरा क्रम है, एतस्माद् जायते प्राणः मनः सर्वेन्द्रियाणि च, ये भी एक सृष्टि का क्रम है। तो ईश्वर ने ईक्षण किया और ईक्षण करके वो आकाशादि सृष्टि के रूप में प्रकट हुआ। तो जब ये सृष्टि ईश्वर में लीन होगी तो चाहे उसको प्रलयावस्था बोलो, चाहे समष्टि की सुषुप्ति अवस्था बोलो, और चाहे ईश्वर के ज्ञान में उसका निरोध मानो, सृष्टि का बीज अवश्य शेष रहेगा, क्योंकि फिर बीज से सृष्टि होगी, फिर सृष्टि बीज रूप होगी, फिर बीज से सृष्टि होगी, बीज होकर के ये सृष्टि ईश्वर में जाएगी और अंकुर होकर बाहर निकलेगी, और इधर आत्मा की ओर अंकुर होकर के बाहर निकलेगी और बीज होकर निरोध में बैठेगी, और इधर जीवात्मा जो है वो टुकुर टुकुर बैठता रहेगा, और वहां उधर ईश्वर जो है वो टुकुर टुकुर बैठता रहेगा। अच्छा, तो जगत का अनुसंधान करने के लिए ये आवश्यक है कि ईश्वर ने इसकी रचना की हो। किस उपादान से रचना की होगी, ये प्रश्न होता है। ये आश्चर्य की बात है कि सभी उपासक, यहां तक कि मध्वाचार्य जैसा द्वैतवादी, यही मानते हैं कि ईश्वर ही सृष्टि के रूप में प्रकट हुआ है। वल्लभाचार्य जी और निम्बार्काचार्य भी, कारणावस्था में ईश्वर, कार्य में ये जगत, वल्लभाचार्य जी भगवत संकल्प ही सारी सृष्टि के रूप, भगवान के अंदर ये सृष्टि है, भगवान में है, भगवान से है, भगवान के संकल्प से बनी है, भगवान ही सृष्टि के रूप में है। श्री रामानुजाचार्य जी महाराज अपृथक सिद्ध विशेषण मानते हैं सृष्टि को, विशेषण विशेष स्वभाव, परमेश्वर के साथ सृष्टि विशेषण के रूप में हमेशा जुड़ी रहती है। तो सृष्टि की संगति लगाना आवश्यक है। अब ये कोई द्वैतवाद होगा, कोई त्रैतवाद होगा। अच्छा, ये कहो कि आओ हम अपने की सृष्टि को जाने दो जहन्नुम में,
हम अपने को ईश्वर में डुबोते हैं। तो क्योंकि आप ईश्वर में अपने को ऐसा डुबो सकेंगे कि आपका अभाव हो जाए। सीताराम, तो डूबने पर भी सायुज्य ही होगा, सायुज्य ही होगा, ईश्वर में मिल जाएंगे, मिलना होगा, एकता नहीं होगी। इसलिए उन सब लोगों के पक्ष में सायुज्य मुक्ति ही मुक्ति है। ये अविद्या निवृत्ति से उपलक्षित जो मुक्ति है, स्वरूपभूत मुक्ति, अविद्या की निवृत्ति से उपलक्षित स्वरूपभूत मुक्ति, स्वतः सिद्ध नित्य सिद्ध मुक्ति, ये उनके पक्ष में नहीं है। तो वेदांतियों के कैवल्य मोक्ष को कोई आचार्य स्वीकार नहीं करते, है ही नहीं, उनके सिद्धांत में हो ही नहीं सकती। तो जोगियों ने कैवल्य मोक्ष का नाम लिया है, वो कैवल्य बोलते हैं, पर उनके कैवल्य का अर्थ ये है कि उस समय दूसरा जगत, प्रकृति रूप जगत का भान नहीं होता, दूसरे दृष्टा का भान नहीं होता, जगत का यदि कोई निर्माता ईश्वर हो तो उसका भी भान नहीं होता, दृष्टा अपने स्वरूप में ही स्थित हो जाता है। ये नहीं कि प्रकृति नहीं है, कि प्रकृति का कार्य नहीं है, कि ईश्वर नहीं है, तो बात नहीं, केवल उनके अभान का ही आपादन हो जाता है। तो जावत काल निरोध है, तावत काल कैवल्य है, और नारायण फिर वृत्ति सारूप्य है, और कैवल्य है, वृत्ति सारूप्य है, कैवल्य है, वृत्ति सारूप्य है, संस्कार समाधि में भी रहता है। दृष्टा कभी ऐसा अपने स्वरूप में स्थित हो जाएगा असंप्रज्ञात निर्विकल्प निर्बीज समाधि लगने के बाद, कि दृष्टा अपने स्वरूप में जम गया, अब वहां से उत्थान का कोई प्रश्न नहीं है, पर वो कैवल्य में ही जमेगा। तो कृतार्थम प्रति नष्टमपि अनष्टम तदन्य साधारणत्वात्, ये उनका विवाद है। हम छंदों की शुद्धि की बात करना चाहते हैं। छंदों की शुद्धि की विशेषता ये है कि ये स्थूल सृष्टि और अंतः सृष्टि, सूक्ष्म सृष्टि दोनों का विभाजन करते हैं, और ऐसे भी वर्णन करती है कि सारी सृष्टि परमात्मा में लीन हो जाती है, और ऐसे भी वर्णन करती है कि सारी सृष्टि आत्मा में लीन हो जाती है, ऐसे भी वर्णन। तो अन्न कहाँ लीन होता है, जल, और जल कहाँ लीन होता है, तेज में, और तेज कहाँ लीन होता है, पर देवता में, परस्याम देवताया, तेज परस्याम देवताया। और इधर देखो, वही वही अन्न, वही आप, वही तेज, कहाँ लेन देन होते हैं, तो बात मनसि संपद्यते, मन प्राणे संपद्यते, प्राण परस्याम देवताया। भौतिक और आध्यात्मिक, आध्यात्मिक सृष्टि विलीन होती है आत्मा में, और भौतिक सृष्टि विलीन होती है परमेश्वर में। यही शुंग के द्वारा बीज का अनुसंधान है। शुंग माने अंकुर, जैसे अंकुर के द्वारा मूल में जाकर के अनुसंधान करते हैं, ये अंकुर कहाँ से निकला, मेरे तो धरती में गड़ा है, ढूंढो भाई किस बीज का अंकुर है, अंगूर का है,
अनार का है, आम का है, बबूल का है, लाल है, काला है, सफेद है, ये सब ये त्रिवृत्त करण का वर्णन है। जो अन्न का रूप है वो कृष्ण है। जहां जहां कालापन दिखे समझना थोड़ा अन्न का संबंध है, जहां जहां सफेद दिखे तो वहां थोड़ा थोड़ा जल का संबंध है, और जहां लाल दिखे वहां तेजस का संबंध है। ये सारी सृष्टि को तीन विभाग में कर दिया, अन्न है, जल है, तेज है, वाक है, मन है, प्राण है, और विषय हैं कृष्ण शुक्ल रक्त, ये विषय है। इनके त्रिवृत्तकरण से ये सारी सृष्टि बनी है। तो यदि अंतर्दृष्टि से देखें तो आत्मा में ही सारी सृष्टि आती है, और बहिर्दृष्टि से देखें तो जो समष्टि के भीतर है, जिसको तत् और त्वं का विभाग किया ना महाभाष्य तो हमारे कांडों के उपनिषद में तत्त्वम है। तो ये जो भौतिक सृष्टि है वो तत्पदार्थ में से निकली है, उसका मूल है तत्। तन्मूला सदायतना तत्प्रतिष्ठा का ये इधर का बात, मन प्राण इनका मूल क्या है का आत्मा, इनके लिए भी ठीक वही तत्व है। तन्मूला सदायतना तत्प्रतिष्ठा इधर अंतरंग में है, अपनी ओर सत ही मूल है, सत ही आयतन है, और सत ही प्रतिष्ठा है, और सारी सृष्टि के मूल में सत है, और सत ही इसका आयतन है, और सत ही इसकी प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा माने प्रलय, उत्पत्ति स्थिति प्रलय संपूर्ण प्रपंच का है सत में, और उत्पत्ति स्थिति प्रलय है सबका त्वम में। देखो ये लक्षण की एकता बड़ी अद्भुत बात है। ये छांदोग्य उपनिषद की लक्षण के लक्ष्य क्या, जब लक्षण एक होता है तब लक्ष्य एक हो जाता है। कहीं इधर से निकली कि उधर से निकले, ये झगड़ा मत करो। एक भट्टराज मिले थे, हमारे मित्र ही थे, तो मैंने उनसे बात की तो भाई ईश्वर ने ये सृष्टि बनाई है कि ईश्वर सृष्टि बन गया है। तो ईश्वर ने सृष्टि बनाई होगी तो कोई उपादान पहले से होना चाहिए और निमित्त भी पहले से होना चाहिए, क्योंकि सृष्टि में विषमता है। यदि विषमता का निमित्त पहले से नहीं होगा तो ईश्वर विषम सृष्टि कैसे बनावेगा, और यदि उपादान पहले से नहीं होगा तो सृष्टि ईश्वर कैसे बनावेगा। बोले नहीं नहीं, हमारे ईश्वर जो है वो एक ही है, और सब स्वयं सर्वम अभवत, ये सृष्टि बिल्कुल भागवत है, वही परमेश्वर सारी सृष्टि के रूप में प्रकट हो गया है। स एकधा भवति, द्विधा भवति, त्रिधा भवति, पंचधा भवति, सप्तधा भवति, नवधा भवति, दशधा भवति, एकादशधा भवति। वो ईश्वर स्वयं एक होता है, दो होता है, तीन होता है, पांच होता है, सात होता है, नौ होता है, दस होता है, ग्यारह होता है, वो ईश्वर ही सर्वरूप हो जाता है।
अच्छा ठीक है, माने ये सारी सृष्टि भागवत सृष्टि है, उन लोगों की भाषा में ऐसे बोलते हैं, भागवत सृष्टि है, ईश्वर ही सृष्टि के रूप में बना है, बनना मानते हैं, बनना। मैंने उनसे पूछा कि ईश्वर चेतन तो है ना, आप ईश्वर की चेतनता में क्या शंका है? अच्छा, ईश्वर चेतन है और वो सृष्टि बना, तो समूचा ईश्वर सृष्टि बन गया कि अपने किसी अंश में बन गया है? अपने किसी अंश में सृष्टि बन गया कि समूचा ईश्वर सृष्टि बन गया? यदि समूचा ईश्वर सृष्टि बन गया तो उसका ईश्वरत्व ये मानना पड़ेगा कि अपने ईश्वरत्व को सुरक्षित रखते हुए ही वो सृष्टि के रूप में बन गया। अपने ईश्वरपने का नाश करके या विकृत करके या बिगाड़ के वो सृष्टि बना, ऐसा तो नहीं मानना पड़ेगा। तब वो कौन सा अंश है जिसमें ईश्वर ज्यों का त्यों है, और वो कौन सा अंश है जिससे वो सृष्टि बनता है? ईश्वर में दो अंश मानने पड़ेंगे, एक सृष्टि अंश, सृष्टि से उपलक्षित अंश, और एक सृष्टि के अभाव से उपलक्षित अंश, दो अंश मानने पड़ेंगे। अब बताओ कितने कितने अंश हैं? चेतन की परिभाषा ही है कि वो साक्षित्व का परित्याग नहीं करेगा, जो अपने साक्षित्व को छोड़ देगा वो चेतन ही नहीं रहेगा, वो तो परिणामी हो गया, वो तो विकारी हो गया। तो परमेश्वर साक्षी रहता हुआ ही ये सृष्टि के रूप में बनता है, तो ये मानना पड़ेगा कि साक्षी में सृष्टि बनी नहीं मालूम पड़ती है, ईश्वर में अंश हुआ नहीं, अंश युवांश, अंश में अंश हुआ। कि ये बात हम कैसे समझें? कि ये बात अपने दृष्टांत से आप समझ लें। मन जागता है, मन इसी से उपनिषद में आया, स्वप्नांतम सौम्य बिजानी, ये आप स्वप्न का सिद्धांत समझिए, अंत माने सिद्धांत, स्वप्न का अंत कहाँ होता है जरा इस बात पर ध्यान दीजिए, स्वप्न का अंत कहाँ होता है? ये तत् और त्वम, तत् में सृष्टि का अंत है और त्वम में स्वप्न का अंत है, त्वम में स्वप्न का अंत है। वो तो तत्त्वमसि में जो गुणधर्म तत् में वर्णित है वही गुणधर्म त्वम में वर्णित होगा। यदि त्वम गुण धर्म के अभाव से उपलक्षित है तो तद भी गुण धर्म के अभाव से उपलक्षित होगा। सन्मूला दोनों के लिए उपनिषद में आया, सन्मूला सदायतना तत्प्रतिष्ठा, बिजानी ही सौम्य। मेरे प्यारे श्वेत केतु, इस बात को समझो। तो अणिमा को ढूंढो, उन्होंने ये बताया। पहली बात ये है कि जो सृष्टि के मूल में अणिमा है उसको समझो, और जो सृष्टि के मूल में अणिमा है उसको समझो, और जो कार्य के मूल में अणिमा है उसको समझो। जब तक सत को अन्य रूप से जानेंगे तब तक उसमें कार्य की कल्पना होगी,
और जब तक आत्मा को दृष्टा रूप से जानेंगे तब तक उसमें दृश्य की कल्पना होगी, क्योंकि कार्य तो जड़ से भी उत्पन्न होता है, इसलिए यदि कारण से कार्य उत्पन्न हुआ है तो अन्य की जड़ता का की कल्पना जो है वो छूट नहीं सकती, तो उसमें कार्यत्व रहेगा। और जो हमारे सामने ही है, हम दृष्टा हैं, तो उसमें दृश्यत्व रहेगा। असल में यत् कार्यम तत् दृश्यम, यत् दृश्यम तत् कार्यम, वो तत् पदार्थ का कार्य है तो त्वम पदार्थ का दृश्य है। अरे नारायण, ये चेतन का और सत का और चित्त का विवेक हो गया। तो जो अणिमा है वहां भी निर्विकार सत है, और जो दृष्टा है वो भी निर्विकार चित्त है। सन्मूला उधर भी सन्मूला सदायतना सत प्रतिष्ठा है, और इधर भी सन्मूला सदायतना सत प्रतिष्ठा है। जो लोग छांदोग्य उपनिषद का स्वाध्याय करते हैं उनको मालूम है, जो एषो अणिमा ऐतदात्मिदम सर्वम तत्सत्यम स्व आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतो। ये तो महाराज, जब संसारी लोग अपने को दृष्टा सुन लेते हैं तो किसी से दुश्मनी करके आते हैं, बोले मैं इस दुश्मनी का दृष्टा हूँ। भोग करके आते हैं, बोले मैं इस भोग का दृष्टा हूँ। अरे भाई, थोड़ी देर के लिए अब हुए हो, उस समय नहीं थे हो, जब भोग किया तब दृष्टा नहीं थे, जब कर्म किया तब दृष्टा नहीं थे, कर्म किया तब करता थे, भोग किया तो भोगता थे, जब क्रोध किया तो क्रोधी थे, जब लोभ किया तब लोभी थे। अरे दृष्टा तो अब हुए हो ना, सोच विचार के बनावटी दृष्टा बने हो, ये बनावटी दृष्टा है। मैंने सोच विचार के अपने को दृष्टा बनाया है, नहीं जी मैंने भोगा नहीं, मैंने किया नहीं, साहब मैं तो गवाह हूँ, देख रहा था, मैं तो गवाह की तरह देख रहा था। अरे बाबा, कर के आए, भोग के आए, अब गवाह बनते हो। ये जब तक प्रपंच की सत्ता रहेगी तब तक कभी कर्ता बनोगे, कभी भोक्ता बनोगे, कभी कामी बनोगे, कभी क्रोधी बनोगे, कभी लोभी बनोगे। ये जो परिवर्तन के साथ तादाद में है, इसी का नाम संसार है। परिवर्तनशील सृष्टि के साथ जो तादाद में है, इसका नाम संसार है। तो भाई, ईश्वर ने जीवों के भोग के लिए अपने को सृष्टि के रूप में बना दिया, ठीक है, ईश्वर भोग हो गया। एक पुरानी बात आपको सुनाता हूँ। मैं कर रहा था भागवती कथा, तो उड़िया बाबा जी महाराज ने प्रारंभ से ही जो कथा सुनना शुरू किया, जब कथा सुनते ही मन में कथा कर रहा था उसी समय वे आके कथा में बैठ गए थे, वहीं से हमारा मिलना हुआ था। और कोई 12 जूसी हाँ कोई 12-13 बरस तक मैं उनको कथा सुनाता था, सुनते थे। तो एक दिन मैंने कहा, ईश्वर का भोग हो जाना भक्ति है। सुनते रहे, फिर जब हम लोगों के सामने कभी वो काटते नहीं, उनको सुनाने में महिमा ये थी कि वो कभी
यदि कोई प्रश्न कर दे बीच कथा में तो वे उसका समर्थन करते थे। और कई महात्मा ऐसे मिले महाराज कि उनसे पहले जब ये व्याख्यान दे दें तो बोलने में तो कमी तो होती है ना, पूर्ण वस्तु का वर्णन तो बोलने में आता नहीं। तो यदि बोलने में जो पक्ष छूट गया हो उस पक्ष का वर्णन करके पिछली बात को काट दिया, हमारी बात को काट दिया करते थे तो उनको सुनाने में अरुचि हो गई। ये तो कहे सुने पर सब पानी फेर देते हैं, तो उनको सुनाने पर ही अरुचि हो गई। वो पढ़ के बात बोलते थे, वो बोली हुई बात से पढ़कर बात बोलते थे तो उनको सुनाने में अरुचि हो गई। और महाराज बाबा के सामने यदि बीच कथा में कोई प्रश्न कर दे तो वो हमारी बात का समर्थन करते थे, और कोई गलती हो तो अच्छे से बताते थे। एक महात्माओं की बात, उनके तीन स्वभाव की बात आपको सुनाता हूँ। तो मैंने कहा कि ईश्वर का भोग्य हो जाना, जीव ईश्वर का भोग्य हो जाए इसका नाम भक्ति है। वो आटा की तरह गूंथ दे, वो खिचड़ी की तरह बना ले, वो फूल बना के सूंघे, माला पहने और शरबत बना के पी जाए, ईश्वर का भोग्य हो जाना ये भक्ति है। तो जब घर में भीतर गए कुटिया में, रोज उनके साथ बैठ के मैं दूध पीता था, वो चाय पीते थे, उनको गुड़िया से चाय का प्यार। तो बोले कि देखो संतनों, ये आत्मा कभी पूर्णता भोग्य नहीं हो सकता। देह के तादात्म्य से तो ये भोग्य होगा, अपने देह को किसी को भोग के लिए दे दिया, लेकिन ये जो है ये रहेगा भोगते ही, रहेगा भोगते ही। वो हमको भोग कर सुखी हो रहा है, इस भोग का सुख भी स्वयं में ही आवेगा। सत सुखे सुखित्वम का भी यही अर्थ है, अपने प्यारे के सुख में हम सुखी होते हैं। तो सुख तो हमेशा ही आत्मनिष्ठ होगा, ये आत्मदेव हमेशा भोगते ही रहेंगे, भोग्य कभी नहीं हो सकते। इसलिए यदि ये चेतन साक्षी अपने को किसी के साथ मिला भी दे तो वो मिलाने का भी साक्षी रहेगा, और जिससे मिलेगा उसका भी साक्षी रहेगा। इसके साक्षित्व में कभी व्याघात नहीं हो सकता, इसका स्वरूप है साक्षित्व, दृष्टित्व स्वरूप है, केवल पूर्णता ही अज्ञात है। साक्षित्व तो अपरोक्ष है, युक्ति सिद्ध है, अनुभव सिद्ध है, परंतु इसकी जो अद्वितीयता है वो अज्ञात है। तो इसके लिए युक्ति क्या करना चाहिए, तो जो अन्न में जल में तेज में जो अणिमा है इसको त्रिवृतकरण बोलते हैं, पंचीकरण नहीं बोलते। यही तीन तत्व हैं, इन्हीं से सारी सृष्टि बनी है। तो बोले भाई, सृष्टि यदि बनी होती तत्व तो कभी पांच कह देते, जैसी बनी होती वैसे ही बोलते। तस्माद वाय तस्माद आत्मना आकाश संभूता आकाशात वायु वायोर अग्नि अग्नि राफा अद्व्या पृथ्वी पृथिव्या अन्नम। ये तो महाराज पांच सात हो गए। और कहीं कह दिया कि तत्तेज इच्छत, ता आप ऐक्षंत। तो सबने बात बताई कि विकारो नाम धेयम तेज इत्येव सत्यम वाचारम्भणम विकारो नाम धेयम आप इत्येव सत्यम वाचारम्भणम विकारो नाम धेयम अन्न इत्येव सत्यम। इसका अभिप्राय हुआ कि जो कारण सत है वही सत होता है। तो जो एसो अणिमा
अतदात्मविदम सर्वा। असल में वो परमात्मा ही सब है, अतदात्मविदम सर्वा। तो आत्मा तत्सत्यम स आत्मा, हे नारायण। अब इस तनमूला सदायतना में देखो, सब वस्तुओं में जो अणिमा है उससे पृथक ये सृष्टि नहीं है, वही है ये सारी सृष्टि। ऐतदात्मिदम एतदात्म एतत् आत्मा यस्य तत् एतदात्म, वो सत ही जिसकी आत्मा है उसको बोलेंगे एतदात्म। तस्य भावः ऐतदात्म्यम्, जैसे तादात्म्य शब्द बनता है वैसे एतदात्म्य शब्द बनता है। ऐतदात्म्यमिदम् ऐतदात्म्यम्, और तद्धित में जो पूर्व अक्षर होता है वो गुरु हो जाता है, इसलिए तादात्म्य का ता गुरु हो जाता है, ऐतदात्म्य का ऐ गुरु हो जाता है। ऐतदात्म्यमिदम् सर्वम्। अब बोले भाई ये तो देखो, एक बार बोलते हो एतदात्मा और एक बार बोलते हो सर्वम्, ये सर्व क्या है? वही है सबकी आत्मा। तो सब तो हुआ अनेक, सब हुआ कार्य, सब हुआ दृश्य, सब हुआ परिवर्तनशील। आप देखो सर्व जो है सर्व, सर्व हुआ कार्य, सर्व हुआ दृश्य, सर्व हुआ अनेक, सर्व हुआ परिवर्तनशील, और सर्व सर्व देश में नहीं है। सर्व में जो सर्व के अवयव हैं वो सर्व देश में नहीं है, अच्छा वो सर्व काल में नहीं है, एक नहीं है अनेक है, और कार्य है और दृश्य है, माने दृष्टा में भी नहीं है और अपने कारण में भी नहीं है। तो उनको ऐतदात्म्यमिदम् सर्वम्, जब इदम् सर्वम् को ऐतदात्म्यम् बोलते हैं इसको बोलेंगे समानाधिकरण, माने एक ही विभक्ति में, जिस विभक्ति का ऐतदात्म्यम् है उसी विभक्ति का इदम् सर्वम् है। तो एक विभक्ति में दो शब्द का प्रयोग किया, और एक तो है अणिमा और एक है स्थूल, एक है एक दूसरा है अनेक, एक है कारण दूसरा है कार्य, एक है दृष्टा और दूसरा है दृश्य, एक है अपरिवर्तनशील और दूसरा है परिवर्तनशील। तो समानाधिकरण कहते इसी को बोलते हैं ऐतदात्म्यमिदम् सर्वम्। लो भाई, जो सर्वम है, जो सर्व है तो एतत् नहीं है, और जो एतत् है वो सर्व नहीं है। एतत् सत् तन्मूला सदायतना सत् प्रतिष्ठा। जो एतत् है वो सर्वम नहीं है, जो सर्वम है वो एतत् नहीं है, और श्रुति समझाती है कि जो एतत् है वही सर्व है। अरे नारायण, ये सब माने सत्य। अब तो सब दोनों की संगति बैठानी चाहिए। समानाधिकरण कैसा? तो श्री मध्वाचार्य जी तो अभेद अद्वितीय शब्द का अर्थ बड़ा विलक्षण करता है। कोई कह रहा था ये अद्वितीय विद्वान है, इसका अर्थ क्या हुआ कि विद्वान तो बहुत से हैं और परंतु इनकी जोड़ के नहीं है, समान नहीं है। तब
ये अद्वितीय है माने इनके समान कोई नहीं है, ये अद्वितीय पहलवान है, इस अर्थ में अद्वितीय है, अद्वितीय विद्वान है, इस अर्थ में अद्वितीय है, ये मध्वाचार्य मानते हैं। माने जगत भी है और परमात्मा भी है, परंतु ये परमात्मा के समान नहीं है, न तत्समोक दृश्यते, परमात्मा के समान और कोई है नहीं, इसलिए परमात्मा अद्वितीय है। बोले भाई परमात्मा का ही सारा कार्य सृष्टि के रूप में परमात्मा ही हुआ है, इसलिए परमात्मा है। निम्बार्काचार्य जी कहते हैं कि कार्यावस्था में द्वैत है, कारणावस्था में अद्वैत है, इसलिए जहां अद्वितीय का वर्णन है वहां कारणावस्था की दृष्टि से है, और जहां द्वैत का वर्णन है वहां कार्यावस्था की दृष्टि से है, बिल्कुल ठीक बन गया। श्री रामानुजाचार्य जी कहते हैं विशेषण विशेष की दृष्टि से है, नील कमल जो है नीलम कमलम, ऐसा कमल भी होता है जो नील नहीं होता, ऐसी नीलता भी होती है जो कमल से पृथक रहती है, परंतु जिस कमल में नीलता जुड़ी हुई है जावत द्रव्य भावी रूप से, अरे नारायण, वो विशेषण रूप से रहती है। तो ठीक है, तो ये सामानाधिकरण कैसा? बोले ब्रह्म काल में सर्प ही है, रज्जु नहीं है, बाद का और बाद काल में रज्जु ही है, सर्प नहीं है, तो अद्वैत वेदांती इसको बोलते हैं बाद सामानाधिकरणी है। माने असल में सर्प भासमान तो है परंतु मिथ्या है। एक बात ये भी ध्यान देने योग्य है कि वेदांत में मिथ्या शब्द का अर्थ अभासमान असत नहीं होता, नितांत असत अभासमान नहीं होता, मिथ्या शब्दो अनिर्वचनीयता वचन, मिथ्या शब्द का अर्थ होवे अधिष्ठान की दृष्टि से तो न होए, परंतु जब देहाभिमान की दृष्टि से देखें तो बिल्कुल स्थार शैतान का दर्शन हो रहा है। देहाभिमानी के लिए जो शैतान दिख रहा है, तत्वज्ञानी के लिए वो शैतान नहीं है। तो शैतान है कि नहीं है? बोले भाई अज्ञानी की दृष्टि से तो शैतान है और ज्ञानी की दृष्टि से शैतान नहीं है, का इसलिए सत्वा सत्वाभ्याम अनिर्वचनीय है, मिथ्या शब्द का अर्थ होता है। मिथ्या शब्द का अर्थ इसी से दूसरे संप्रदाय वालों ने जब अद्वैत का खंडन किया है तो वो मिथ्या शब्द का अर्थ ऐसा समझ गए कि वो बंध्या पुत्र के समान नितांत असत है और कभी प्रतीत होता नहीं। बोले क्या मिथ्या मिथ्या करते हो, सब तो सिर पर चढ़ा हुआ है, शरीर शरीर है, मन है, खाना है, पीना है, माँ है, बाप है, पाप है, पुण्य है, नरक है, स्वर्ग है, आना है, जाना है, और क्या मिथ्या मिथ्या बोलते हो, सब तो मालूम पड़ता है। तो भले मानुष वेदांतियों को इतनी अक्ल तो होती है कि जो तुम आपत्ति करते हो उसको वो समझे, तुम्हारी आपत्ति को वो समझ न सकते हो, इतने मूर्ख तो होते नहीं। बड़ी बड़ी बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, सब वो मिथ्या, उनको भी दुनिया दिखती है, शरीर दिखता है, अंतःकरण दिखता है, वो मिथ्या कैसे कहते हैं? तो बोले भाई दिखना और होना दोनों एक ही चीज है कि अलग अलग है? जरा देखो, दिखना और होना है, आकाश की नीलिमा दिखती है, दृश्य है, तो क्या नीलिमा है ऐसा बोल सकते हो? अच्छा भाई आकाश नहीं दिखता है तो क्या नहीं है?
ये तो व्यवहार में ऐसा होता ही नहीं। जो नहीं दिखता है वो भी होता है और जो दिखता है वो भी नहीं होता है। तो मालूम पड़ना और होना ये दोनों अलग अलग चीज है, एक चीज नहीं है। तो वेदांत में सृष्टि मालूम तो पड़ती है परंतु सृष्टि है नहीं। और अज्ञानी को सृष्टि मालूम भी पड़ती है और है भी, और ज्ञानी को सृष्टि मालूम पड़ती है परंतु है नहीं। दोनों की दृष्टि में बहुत फर्क पड़ गया। वही तदात्मिदं सर्वा सत सत्य सात ही सत्य सत्य केवल परमात्मा ही सत्य है। सत केवल सत ही सत्य है, केवल सत ही सत्य है। ये जो बीज और वृक्ष का विभाग है ये सत्य नहीं है। बोले अच्छा भाई, इस सृष्टि तुमको एक एक मिनट क्या मिनट, जब तक आत्मा को ब्रह्म रूप से नहीं जानेंगे तब तक अपने अधिष्ठान में ये सृष्टि मिथ्या है ये बोध कभी हो नहीं सकता। पढ़ लो द्वैत सिद्धि, कर लो द्वैत का खंडन। द्वैत का खंडन करने से द्वैत खंडित नहीं होता बल्कि और पक्का हो जाता है। यानी कि द्वैत का निषेध करने से अद्वैत की सिद्धि होती है। ठीक है, निषेध करने से अद्वैत की सिद्धि तो होती है परंतु अद्वैत का अनुभव हुए बिना द्वैत का बाद मिथ्यात्व बोध नहीं हो सकता। अधिष्ठान ज्ञान के बिना जो मिथ्यात्व है जो प्रपंच का, वो केवल भावना मात्र है, केवल कल्पना मात्र है, संभावना मात्र है। अद्वैत सिद्धि संभावना उत्पन्न कर सकती है कि द्वैत मिथ्या हो सकता है, परंतु जब तक अपने आत्मा को ब्रह्म रूप से अनुभव नहीं करेंगे तब तक सृष्टि का बाद नहीं होगा। इसलिए स्व आत्मा वो जो सत है, एतत है, जो सर्व के रूप में भास रहा है, वो अपना आत्मा है। निश्चित रूप से ही जैसे संसार में पदार्थ रूप होते हैं, पद रूप होते हैं, वो अपने अर्थ जैसे घड़ी है, समय को बताने वाला जो यंत्र है उसका बोधक घड़ी शब्द है। इसी प्रकार निरुपपद जो आत्मा शब्द है, जब आत्मा में कोई विशेषण न लगावे तो वो प्रत्येक आत्मा का बोधक होता है, अपने आप का बोधक होता है। तो आत्मा वही एतत, वही अणिमा, वही सत, वही एतत, जिससे भिन्न सृष्टि में और कोई नहीं है, वो अपना आत्मा है। अरे भाई, आत्मा माने कुछ और तो नहीं? बोले नहीं, जो वेद के तू सत स्वम अस्ति, वही तत्। तत् माने जत सत, तत् जो सत है वही, जिसके अस्ति में अस्तित्व में कभी व्यभिचार नहीं होता, जिसको नाही के रूप से कभी जाना न जा सके, अबाधित, इसको बोलेंगे अबाधित, जागृत में अबाधित, स्वप्न में अबाधित, सुषुप्ति में अबाधित। बोलो भी, मैं उस समय नहीं था, क्या मतलब? देह नहीं होगा, आपकी आंख वहां नहीं होगी, परंतु उस समय का बोध आपको कैसे हुआ? अच्छा, नहीं था, नहीं था, इसका बोध कैसे हुआ? अभाव का भी तो बोध होता है ना,
इसलिए आत्म सत्ता का वाद नहीं हो सकता, न किसी देश में, न किसी काल में, न किसी अवस्था में। अच्छा, एक एक उपासना शास्त्र के अनुसार मुक्ति के स्वरूप एक तो देखो, जय विजय तो मुक्त होकर के सालोक्य और सारूप्य और सारष्टि तीनों मुक्ति उनको प्राप्त। सालोक्य, सारष्टि, सारूप्य, सामीप्य, सामीप्य उनकी मुक्ति को महापुरुष की इच्छा से भगवान ने बदल दिया। जाओ, बद्ध हो जाओ थोड़े दिन के लिए, पर उनकी मुक्ति पर भगवान का काबू है। ठीक है, और मारी गीत आदि को मुक्ति दे देते हैं, उस मुक्ति पर भी उनका काबू है। कसरत की मुक्ति को रोक देते हैं, उस मुक्ति पर भी उनका काबू है। अब प्रश्न ये है कि जो सायुज्य को प्राप्त हो जाता है, भगवान से घुल मिल गए, उनको अलग करके फिर प्रपंच में भक्त के रूप में, प्रचारक के रूप में समझो, आचार्य के रूप में, भक्त के रूप में, ये परिचारक ही है महाराज। इनके रूप में अपनी महिमा का प्रचार करने के लिए, अपनी भक्ति का प्रचार करने के लिए भगवान सायुज्य प्राप्त जीव को अपने में से निकाल के प्रपंच में भेज सकते हैं कि नहीं? यदि नहीं भेज सकते हैं तो ईश्वरत्व में जागा, और यदि भेज सकते हैं तो किंचित पृथक करके अपने अंदर रखा होगा। ये सिद्धांत है, भेद सहिष्णु अभेद इसको बोलते हैं। किंचित भेद सहिष्णु अभेद करके ही सायुज्य मुक्ति प्राप्त होता है। कभी निकाल दें, कभी न निकालें, एक में रखें, कभी न निकालें, ऐसा भी हो सकता है कभी न निकालें। नारायण, परंतु तत् सत्यम स आत्मा, अरे वो हेत वो अणिमा हेता वो तत् अपने आत्मा का स्वरूप है। फिर भी आत्मा का अर्थ कहीं कोई दूसरा हो जाता हो तो बोले प्यारे श्वेत केतु बड़े साथ सफेद झंडा हो, श्वेत माने सफेद, केतु माने झंडा, बिल्कुल सफेद झंडा है, जड़ लड़ाई नहीं है, ये संधि का झंडा है, युद्ध का झंडा नहीं है, शांति का झंडा है, वो सफेद कबूतर तोड़ दो, ये विरोध का झंडा नहीं है, विवाद का झंडा नहीं है। विरोध होता तो अपने बाप से शास्त्रार्थ कर बैठता, और बाप ने समझाया और समझ लिया सफेद झंडा है। हाँ पिताजी, आपकी बात ठीक है। बोले तत्वमसि श्वेत केतु, श्वेत केतु तुम पढ़े लिखे विद्वान नहीं हो, तुम मेरे पुत्र नहीं हो, मैं तुम्हारा पिता नहीं हूँ, मुझसे तुम पैदा नहीं हुए हो, मैं तुम्हारा बाप नहीं हूँ, जो विद्या पढ़ के आए हो तो तुम नहीं हो। तब कौन हो? तत्वमसि, जो मूल है वो तुम हो, और ये बीच में जो महाराज दोनों के है, ये ऐसी माया राण बीच में आए के खड़ी हो गई है कि जो एक था सो दो मालूम पड़ने लगा, एक था सो दो मालूम पड़ने लगा। तो नारायण, इस अविद्या को, इस अविद्या को दूर करो, तत्वमसि श्वेत केतो। सृष्टि अंतर से हुई कि बाहर से हुई? बोले अंतर और बाहर का भेद आत्मा और परमात्मा को भूल जाने से है। आत्मा और परमात्मा के है ना एकता का बोध हो जाने पर अपूर्वम अनपरम अनंतरम अभाज्यम, न बाहर है न भीतर है। स्वभाज्याभ्यंतरो यजा,
यहाँ भी देखो समानाधिकरण पर विचार करो, दुहज है वही बाज्या बेहतर है, एक सच एक झूठ होना चाहिए।